हाय, माय नेम इज़ निखिल अडवाणी। आई एम द डायरेक्टर ऑफ बाटला हाउस। बाटला हाउस इज़ अ वेरी फेमस, इनफेमस रादर, इन पुलिस एनकाउंटर दैट टुक प्लेस ऑन सेप्टेम्बर 19, 2008। इट वॉज लेबल एज अनट्रू बिकॉज देर वर वेरियस वर्जन्स टू एक्चुअली व्हाट हैपेंड। ये सब तमाशा कैसे हुआ? सर, वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और ऑर्डर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के। इट वर्क फॉर मी एज अ डायरेक्टर टू कास्ट जॉन बिकॉज ही इज सच अ फिजिकली ब्यूटीफुल लुकिंग मैन। जॉन रियलाइज दैट द फिल्म इज वेरी इंटरनल ऑल्सो। इट डील्स विद PTSD, डील्स विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड पैरानोया एंड ऑल दैट ही हैड टू एक्चुअली लर्न एंड ही हैड टू ब्रिंग आउट व्हाइल एट द सेम टाइम कीपिंग वेरी क्वाइट। जिन लड़कों को आपने मारा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे? बेकसूर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स का मैंने बेकसूर नहीं कहा। कास्टिंग मृणाल ठाकुर फॉर मी वॉज इम्पॉर्टेंट। आई हैड डन द सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हेन आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म कॉल्ड एयरलिफ्ट विद अक्षय कुमार। बोथ अक्षय एंड जॉन, दे आर स्टार्स, एंड सो टू कास्ट क्रेडिबल हीरोइंस ऑपोजिट देम मेड सेंस सो दैट दे वुड बी स्ट्रिप्ड डाउन फ्रॉम द स्टार पर्सोना दे हैड एंड दे वुड स्टार्ट बिकमिंग द कैरेक्टर दैट दे वर सपोज टू प्ले इन द फिल्म। के लिए सरकार जो रकम देती है उससे ज्यादा तो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार एक हफ्ते में कमा सकता है। दिल्ली से ऑर्डर आया है, कम से कम यहाँ तो सच बताइए। Bartla House was shot in Lucknow, in Delhi, in Mussoorie and in Mumbai. To shoot in Bartla House is impossible because it's still a scene of crime and more or less sealed. As far as finding a similar location in Lucknow, we lucked out, we got it. The film would not be there if it was not the encounter. But what actually intrigued me as a director was the noise. मैं इस केस से जुड़े एक-एक को कोर्ट में दोषी साबित कर पाऊं। Whether you were supporting the Delhi special cell and the police, or whether you were supporting the students, there was noise on both sides. Nobody was willing to listen to facts. In all that outrage, in all that noise, in all those opinions, in all those various perspectives, people forgot that there was a police officer and there were students whose lives changed in a matter of seconds. Suddenly, the most decorated police officer in India had been labeled a murderer, and suddenly, students of a university had been labeled terrorists. Bartla House is the story of what a court finally accepted.